हाथ पे सिगरेट भी लाते हैं और गायब भी कर देते हैं। वही मैजिक आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को सबसे लेकर अंत तक जरूर देखें। बाद में आप लोगों को सिखाऊंगा इस मैजिक आप लोग कैसे कर सकते हो, मैंने कैसे किया। अगर आप बोले भटकते पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल सब्सक्राइब करके जाए या बेल आइकन प्रेस कर जाए, इससे क्या होगा जब भी मैं कोई नई मैजिक ट्रिक की वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आप तक आएगा सबसे पहले, आप उसे देख पाएंगे एंड सीख पाएंगे। और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि वो भी मैजिक सीख सके, वो भी जादू सीख सके। फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को बताना चाहता हूँ, इंडिया में जो कोरोना वायरस जो चल रहा है, जो कि इंडिया में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस का कहर है, तो आप लोगों को पता ही होगा 14 अप्रैल तक जो है पूरी इंडिया को लॉकडाउन किया गया है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी इस लॉकडाउन का पालन करें, घर से बाहर ना निकले। अगर आपका कुछ बहुत इंपॉर्टेंट या जरूरी काम होता है तो ही बाहर निकले, और मुंह पे मास्क पहन के और हैंड से ग्लव्स पहन के ही बाहर निकले। हो सके तो आप सैनिटाइजर डिटॉल्स सबका यूज करें हैंड वॉश करने के लिए, ज्यादा से ज्यादा हैंड वॉश करें। अगर आप कहीं बाहर भी जाते हो तो हर टाइम अपने हैंड वॉश करते रहें ताकि उसके जो वायरस है अगर किसी में पॉजिटिव भी है वो आपसे मिले हैं। अपने हाथ को बार बार कहीं टच ना करें, जैसे कि मुंह पे हो गया, नाक पे हो गया, ये जगह आप टच ना करें, और हैंड को वॉश करके ही आप अपने शरीर पे टच करें। क्योंकि अगर आप कहीं, क्या पता आप कहीं बाहर चले गए इंपोर्टेंट काम से और वहाँ पे कोई कोरोना का पॉजिटिव पेशेंट अगर है, उससे अगर आप मिलते हो या उसके कॉन्टेक्ट में आते हो, तो आप तब तक मतलब हाथ को हैंड को वॉश करके ही अपने शरीर पे टच करें ताकि जो भी बैक्टीरिया है या कीटाणु है हमारे हाथ पे वो मर जाए, उसके बाद ही हम अपने हैंड को कहीं पर टच कर सकते हैं, उससे हमें कोई नुकसान नहीं होगा। तो यार हम तो कर रहे हैं लॉकडाउन का पालन, आप लोग भी करें। हम तो रूम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आप लोग भी अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। आप लोग बड़े खुशनसीब हैं जो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऐसे हम लोग तो अभी मुंबई में हैं, और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, बट अभी मुंबई में हूँ क्योंकि यहाँ पे मतलब रास्ते में भटकने से अच्छा था कि हम यहीं पे रह लेते, जब लॉकडाउन ओपन हो जाएगा उसके बाद ही हम घर जाने की सोचेंगे। तो चलो बिना के आपको बोर शुरू करते हैं आज के जादू का स्टोर। आप लोगों ने देखा होगा जादूगर क्या करते हैं, खाली हाथ दिखाते हैं। जैसे कुछ मंत्र मारते हैं तो एक मैजिक होता है, उनके हाथ में सिगरेट आ जाती है। ऐसे कुछ मैजिक करते हैं, और जैसे इस पे मैजिक करेंगे आप रगड़ा रगड़ा गिली गिली, जैसे ही मैजिक करते हैं सिगरेट गायब हो जाती है एकदम वैनिशिंग। तो आप लोगों ने देखा कैसे आप लोगों के सामने जो सिगरेट है ये आई, और ये गायब भी हो गई और ये प्रकट भी हो गई आप लोगों के सामने। मैजिक की कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ जादू नहीं है, रियल जादू कुछ भी नहीं है, इसमें भी कुछ ट्रिक की गई है, तो मैं आप लोगों को एंड में बताऊंगा इसकी ट्रिक क्या है। तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आप भी समझ पाओगे इसे कैसे गायब करते हैं और कैसे इसे दिखाते हैं। तो चलो चलते हैं इसकी ट्रिक का ट्यूटोरियल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखाया कैसा था, मैं वो दिखाता हूँ। मैंने दोनों हैंड अपने खाली दिखाए थे, एकदम नॉर्मल, बिल्कुल कुछ भी नहीं था। जैसे मैंने कुछ मैजिक किया अपने हाथों से, मैंने कुछ मैजिक किया, और फिर मैंने जैसे कुछ जादू किया तो मैंने एक जादू मारा और सिगरेट को प्रकट कर दिया। सिगरेट आ गई थी हाथ पे, एकदम सिगरेट ओरिजिनल है, बिल्कुल डुप्लीकेट नहीं है। तो आप लोगों ने देख लिया होगा ट्रिक क्या है। ट्रिक जो है यहाँ पे, इसलिए मैंने आप लोगों को दोबारा करके दिखाया। ट्रिक जो है इसकी यहाँ पे रहती है, देख सकते हो आप लोग, एक ये मिलता है मैजिक शॉप में जिसे कि सिगरेट वैनिशिंग करने के लिए यूज किया जाता है। ये ऐसा एक स्टैंड मिलता है जो कि आपकी उंगली पे यहाँ पे बैठ जाता है, इसे आप ढीला एंड टाइट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे बैठाने के बाद पहले आपको क्या करना होता है, ये जो सिगरेट है इसके अंदर ऐसे दबानी होती है, लगानी होती है। जैसे इसके अंदर सिगरेट फिट हो जाती है तो अपने हैंड पे कुछ इस प्रकार से लगा सकते हैं, और आगे से ये दिखता नहीं है कि हैंड में कुछ लगाया गया है, ठीक है। उंगलियों को अपने ऐसे क्लोज करके रखना है ऐसे, और जैसे ही आप क्या करते हो, पीछे से किसी को नहीं दिखाना है, ऐसे दिखाते हैं, जैसे ही आप ऐसे करते हो तो ये जो है यहाँ पे छुपा के रखना है, तो सिगरेट दिख जाती है कि सिगरेट आ चुकी है ऐसे। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैजिक सही में हो रहा है, देखो
एक इल्यूजन क्रिएट होता है, ऐसे हाथ खाली दिखाते हैं, ऐसे नॉर्मल हाथ खाली, और बाद में एक मैजिक करते हैं, सिगरेट आ जाती है, ऐसा लगता है सिगरेट हवा में आई है। एक बार करके दिखाता हूं, आप लोगों ने देखा इसका इस प्रकार से मैजिक होता है। आप जैसे कि देखो सिगरेट यहीं पे है और ये भी स्टैंड जो है यहीं पे है, इसकी यही ट्रिक है, आप लोग समझ चुके होंगे। ये जो स्टैंड है सिगरेट का, ये मैजिक शॉप पे मिल जाता है और ये किसी एल्युमिनियम का बना होता है, कोई प्लास्टिक का नहीं है जो टूट जाएगा। इसे आप टाइट एंड लूज भी कर सकते हो। तो इस पे जैसे सिगरेट डालते हैं ऐसे, ये सिगरेट ओरिजिनल होनी चाहिए, ये कोई मैजिक की सिगरेट नहीं है, सिगरेट ओरिजिनल रहती है और ये सिगरेट तभी इसके अंदर चली जाती है। इसमें जो ये सिगरेट के लिए ही बनाया गया है, इस प्रकार से इसमें डालना होता है और अपनी फिंगर पे आपको फिट करना होता है। जैसे आप ऐसे करते हो तो ये क्या होता है, ये पीछे है तो ये फिंगर से दिखेगा नहीं, फिर आप हाथ को यूं करना होता है, तो यूं अंगूठे से इसको दबाना होता है ताकि पब्लिक को ये ना दिखे। फिर ऐसा लगता है सिगरेट हैंड में आ चुकी है, जैसे आप उंगली को पीछे करते हो तो सिगरेट आपके पीछे छुप जाती है किसी प्रकार से। ठीक है, तो पीछे से नहीं दिखाना चाहिए, आगे से यूं दिखाते हैं, ऐसे खाली हाथ से सिगरेट आ गई, सिगरेट गायब हो गए, सिगरेट आ गए, सिगरेट गायब हो गए। एक कार्ड का भी ऐसा स्टैंड मिलता है, यहाँ पे कार्ड की पूरी डेक लगी हुई रहती है, उसे जैसे ऐसे करते हैं तो पत्ते निकालते हैं, फिर ऐसे कर देते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिक समझ में आ चुकी होगी, इसकी सिगरेट की ट्रिक आपको समझ में आ चुकी होगी कि सिगरेट जो है वो किस प्रकार से गायब हुई, किस प्रकार से आई। तो अगर आप लोगों ने अभी तक SSA मेडिसिन यूट्यूब चैनल को, आपका अपना ही SSA मेडिसिन यूट्यूब चैनल, अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को प्रेस करके जाएं। इससे क्या होगा यार, जब भी मैं कोई नई मैजिक ट्रिक की वीडियो, कमाल की वीडियो अपलोड करूंगा, उसकी नोटिफिकेशन आप तक आएगी सबसे पहले, आप उसे देख पाएंगे एंड सीख पाएंगे। चलो यार, हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट मैजिक ट्रिक की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।